अस्सलामु अलैकुम माय यूनिक फ्रेंड, टुडे इज़ माय टॉपिक व्हाट इज़ FIR, हाउ FIR इज लॉज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, FIR जो होती है वो पुलिस स्टेशन पे कटवा जाती है। FIR जब कटवानी होती है तो पुलिस स्टेशन पे जाते हैं हम FIR कटवाने के लिए। तो रिक्वायरमेंट सब ज़रूरी हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि FIR में कितने कालम होते हैं। FIR में 6 कालम होते हैं, टोटल 6 कालम होते हैं FIR में। फर्स्ट ऑफ ऑल FIR 154 CRPC तहत पर लॉज्ड की जाती है पुलिस स्टेशन पर, और उसका नंबर जो है वो भी लिखा जाता है, उसका ईयर भी उसमें मेंशन किया जाता है, PS भी उसमें लिखा जाता है, और डिस्ट्रिक्ट भी उसमें मेंशन किया जाता है, और जो जिस वो भी वक्त उसमें लिखाया जाता है जिस वक्त वो मेंशन हुई थी, जिस वो मेंशन किया जाता है जिस वक्त वो वाक़या हुआ था। तो अब मैं आपको ये समझाऊँगा कि इसमें 6 कालम होते हैं, और 6 कालम कितने काम के हैं। सारे 6 ही कालम जो हैं वो काम के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कालम है वो है तारीख, वक्त, रिपोर्ट, जिस वक्त जमा लिखवानी होती है उस वक्त तारीख टाइम सब लिखवा जाता है उसमें, और फर्स्ट कॉलम जो है उसका। और सेकंड कॉलम में वो कंप्लेंट का नेम होता है जो FIR दाखिल करवाना चाहता है, उसका सेकंड कॉलम में नेम होता है। और जो थर्ड कॉलम है उसमें है जो ऑफेंस कमिटेड किया होता है, जो ऑफेंस होता है उसके सेक्शन लिखे जाते हैं। और जो फोर्थ कॉलम है उसका, उसमें वो PS का और उसकी एड्रेस, वो उसमें एड्रेस लिखते हैं कि इसको पकड़ा कहाँ गया था, किस चीज़, किस रोड पर, किस चीज़, किस जगह पर इसको पकड़ा गया था, वो लिखते हैं। और फाइव जो होता है उसमें वो लिखते हैं कि वो PA से कितना दूर है, जो वाक़या हुआ। ओ सॉरी, फिफ्थ में जो होता है वो ये लिखते हैं कि FIR कब काटी गई, टाइम मेंशन किया जाता है, वो उसमें कहते हैं कि FIR जब कंप्लेंट आया तो उसी वक्त FIR कट गई। और जो सिक्स हैं उसमें होता है कि बात थाने से रवानगी कब हुई, तो वो टाइम भी उसमें लिखा जाता है कि उसी वक्त हुई या कुछ टाइम लगा, ये भी सब कुछ उसमें मेंशन किया जाता है। उसके बाद जो है वो लिखवाना चाहता है जो उसका पहले पहले नाम होता है, उसके बाद उसका जो विटनेस होते हैं वो अपना नाम लिखवाते हैं, बाद में ऑफेंस की जगह पर, क्योंकि वो टाइम डेट भी लिखा जाता है कि फलाना ऑफेंस इस टाइम किया गया था, और जो फलाना फलाना XYZ मेरे साथ थे, और अगर उसकी सारी उसके अहकामात पूरे किए जाते हैं, और उसका टाइम, पीरियड, डेट, वो सब कुछ लिखा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसकी जो कार्रवाई, जो उससे रिकवरी, उसके बाद जो उसकी कार्रवाई होती है वो की जाती है, वो जो बाद में होती है। तो इसके बाद हमने ये आपको बताया कि FIR कैसे लिखी जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बाद पहला पहला जो केस का पहला पहली जो शुरुआत है वो FIR से होती है। अगर FIR मजबूत हो, FIR सही हो, तो फिर केस में कुछ गुंजाइश हो, केस इजीली जो है वो विन कर सकता है अक्यूज साइड, जो FIR कपला वो जो FIR कटवाना चाहता है कंप्लेंट साइड इजीली विन कर सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि FIR जो है कटवाना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अच्छी तरह उसको जो है वो कटवाना चाहिए, उसमें कोई भी तकलीफ़ नहीं कीजिए, कोई भी गलती ना कीजिए, क्योंकि FIR जो है वो इम्पॉर्टेंट, इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और दूसरों दोस्तों को भी बताएं कि FIR का तरीका क्या है, वो इस वीडियो में अच्छी तरह और
स्पेशल तरह से आपको बताया गया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।